हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 02718 विजयवाड़ा विशाखापट्टनम रत्नाचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट ट्रेन का वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के बीच में चलती है। इस ट्रेन में ICA ब्रेक यूज़ किया जाता है। इस ट्रेन को साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये कोविड रिजर्व टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तक जो दूरी है वो है 350 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिशन स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तक जाने में टाइम लगता है 6 घंटे का। रास्ते में इस ट्रेन का 11 स्टेशन पर हॉल्ट है और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग का सुविधा भी मौजूद है। तो चलिए आप इस ट्रेन के कोच पोजिशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में 3 AC चेयर कार और 18 सेकेंड सीटिंग चेयर कार शामिल है। और इस ट्रेन का विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तक जाने में जो कॉस्ट है वो AC चेयर का 540 रुपीस, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। और सेकेंड सीटिंग चेयर का कॉस्ट है 155 रुपीस, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और सुपर फास्ट चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आप जान लेते हैं। ये ट्रेन विजयवाड़ा से हफ्ते में 7 दिन सुबह के 6:15 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह न्यू दिल्ली पर 6:47 पर आता है और 6:45 पर यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इलूरू यहाँ पर ये 7:08 पर आता है और 7:10 पर यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ताडेपल्ली गुडेन यहाँ पर ये 7:47 पर आता है और 7:45 पर यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद निडाडा वोलू जंक्शन यहाँ पर ये 7:08 पर आता है और 8 यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद राजा मुंडरी यहाँ पर ये 8:33 पर आता है और 8:35 पर यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आना पड़ती यहाँ पर ये 8:58 पर आता है और 9 यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद समालकोट जंक्शन यहाँ पर ये 9:23 पर आता है और 9:25 पर यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अन्नावरम यहाँ पर ये 9:53 पर आता है और 9:55 पर यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद टूनी यहाँ पर ये 10:13 पर आता है और 10:15 पर यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अनकापल्ले यहाँ पर ये 10:53 पर आता है और 10:55 पर यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ट्रेन का सेकेंड लास्ट अभी दुबाड़ा यहाँ पर 11:35 पर आता है और 11:37 पर यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ट्रेन का डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम जंक्शन यहाँ पर दोपहर के 12:15 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा शुरू कर लेती है और 350 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।